दोस्तों, मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये एक प्रेस है और इस प्रेस का जो गियर है ये फट गया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप कभी प्रेस लेते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखें, तो इस तरह की बातों को ज़रूर देख लें लेते समय, ताकि आप कोई बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएँ। तो ये वाली प्रेस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो 150 टन की प्रेस है और इसके ऊपर क्या किया गया है कि एक व्हील बना के उसके ऊपर अलग से गियर को साइज बना के इसके ऊपर लगा दिया गया है और फिट कर दिया। तो जब ये इसको लगाते हैं तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, कि उसके बाद मशीन को पेंट हो जाता है और पेंट के बाद इतना कुछ दिखाई भी नहीं देता। जब भी आप कभी प्रेस लेते हैं तो ये चीज़ ज़रूर देख लें कि कोई ऐसा जुगाड़बाजी तो नहीं किया हुआ, ताकि आपको आगे चल के पैसे लगाने के लिए मजबूर होना पड़े और प्रेस फिर भी पूरा काम नहीं करेगी जितना आप काम चाहते हो। लेकिन अभी हमारे पास प्रेस है तो इसको अभी हम रिपेयर करेंगे और उसके बाद इस प्रेस का जो व्हील है उसको बनने के लिए देंगे और नया बनवाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको टाइट कर रहे हैं। ये देखिए, हमने इसके साइड में दोनों बोल्ट लगा लिए और बोल्ट लगा के इनको अच्छी तरह से टाइट करेंगे और बीच में से हमने बी मार लिए ताकि इसको और ज़्यादा टाइट कर सकें। लेकिन इसको ज़्यादा वेल्डिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि बनाने वाले ने, जिसने ये गियर बनाया है, उसको मार्जिन ही नहीं छोड़ा इसके अंदर, गियर के अंदर पूरे पूरे दांते जितना छोड़ा है, ताकि जब अगर हम वेल्डिंग भी करते हैं तो ये दांता आवाज़ करेगा या ये नीचे वाले गियर को भी ख़राब करेगा। लेकिन चलो, हम फिर भी इसको किस तरह से रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ बोल्ट लगा के हमने इसको टाइट कर लिया और वेल्डर सेट की मदद से अभी हम इसके अंदर वेल्डिंग भर रहे हैं और वेल्डिंग भर के उसके बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके अभी हम प्रेस को चालू करके देख रहे हैं। तो ये हमारा जो गियर था, अभी हमारा रिपेयर हो गया है। लेकिन आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, प्रेस लेते समय व्हील और गियर और चाबी वाली जगह को ज़रूर चेक कर लें। लेकिन अभी हमने इसको साथ में वेल्डिंग कर दिया है, अभी चलेगा तो सही, लेकिन इसको नया बनवाना ज़रूर पड़ेगा। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो सके। अभी हमने देखी, दांते के ऊपर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने रिपेयर करके प्रेस को अभी चालू कर लिया है। प्रेस का जो व्हील है वो कास्टिंग का बना हुआ है और ढलाई किया हुआ, और जो उसके ऊपर गियर लगाया है वो स्टील का बना के लगाया है। तो दोनों को इस तरह से मैच करके बोल्टिंग कर दिया, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि ये अलग से इसके ऊपर स्टील का गियर चढ़ाया हुआ है।